साथियों, समूह से शक्ति मिलती है और इसी सामूहिक शक्ति से किसान भी समृद्धि की ओर अग्रसर होंगे। किसानों को उचित दाम दिलाने के लिए अब किसानों की सामूहिक ताकत का उपयोग किया जाएगा। आज चित्रकूट में जो नए एफपीओ यानी फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस इसकी शुरुआत हुई है, उसके पीछे भी यही भावना है। ये विशेष तौर पर देश के लिए उन छोटे और सीमांत किसानों के हित में है जिनकी संख्या देश में सबसे अधिक है। एक किसान परिवार के बजाय जब गांव के अनेक किसान मिलकर बीज से लेकर के बाजार तक की व्यवस्थाओं से अगर वो जुड़ेंगे तो उनकी क्षमता निश्चित रूप से अधिक होगी। अब जैसे सोचिए, जब गांव के किसानों का एक बड़ा समूह इकट्ठा होकर खाद खरीद देगा, उसे ट्रांसपोर्ट करके लाएगा, तो पैसे की कितनी बचत होगी। इसी तरह ज्यादा खरीद में डिस्काउंट भी अधिक तक मिलेगा। फसल तैयार हो गई, मंडी ले जाने का समय आया, तब भी आपकी सामूहिकता ज्यादा काम आने वाली है। मंडी में व्यापारी कारोबारी के साथ आप अधिक प्रभावी तरीके से बातचीत कर पाएंगे, अच्छे से मोलभाव कर पाएंगे। भाइयों और बहनों, बीते कुछ सालों में इन एफपीओ की सफलता से प्रोत्साहित कर ही इनका अभूतपूर्व विस्तार किया जा रहा है। किसानों और उत्पादकों के इन समूहों के माध्यम से कृषि उत्पादकों के निर्यात के लिए भी व्यापक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जा रहा है। अब जैसे आलू हो या फिर यहां जंगलों से मिलने वाले दूसरे उत्पाद हो, उनकी कीमत कम होती है, लेकिन अगर उनके चिप्स बनाकर मार्केट में अच्छी पैकेजिंग के साथ उतारे जाए तो कीमत ज्यादा मिल जाती है। जब आप यहां प्रदर्शनी देखने जाएंगे तो आपको दिखाई देगा कि कैसे बाजार से अच्छी कमाई की जा सकती है। ऐसे ही उद्योग इन एफपीओ के माध्यम से लगाए जा रहे हैं और प्रत्येक एफपीओ को 15 लाख रुपए तक की मदद, प्रत्येक एफपीओ को 15 लाख रुपए तक की मदद, इसका प्रावधान भारत सरकार ने किया है। जैसे यहां योगी जी की सरकार ने एक जनपद एक उत्पाद की योजना चलाई है, उसके साथ भी इन संगठनों को जोड़ा जा रहा है। सरकार ने यह भी तय किया है कि आदिवासी क्षेत्रों और चित्रकूट जैसे देश के 100 से ज्यादा एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स, आकांक्षी जिलों में एफपीओस को अधिक प्रोत्साहन दिया जाए। हर ब्लॉक में कम से कम एक एफपीओ का गठन जरूर किया जाए। आदिवासी क्षेत्रों की वन उपज में वैल्यू एडिशन को इससे बल मिलेगा और ज्यादा से ज्यादा बहने इन संगठनों से जुड़े, ये भी प्रयास किया जा रहा है।